मेरी जर्नी काफ़ी वाइल्ड थी क्योंकि मैं एज अ वाइल्ड गार्ड इस घर में आया था और नो रिग्रेट्स और जितना मैं इस घर को नहीं दे पाया उतना उससे कई ज़्यादा इस घर ने मुझे दिया है. सो आई एम रियली थैंकफुल टू इंडमॉल, टू मले सर, टू शीतल जी, टू वर्षा, टू आनंद जी. आई थिंक पूरे घर ने मुझे अंडर एस्टिमेट किया लेकिन जो बिग बॉस को बनाते हैं उन लोगों ने मुझे कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया. तो मैं उनका अपने दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ और मेरी जर्नी यही है. ऑफकोर्स सी मैं कभी भी मैं ये सोच के नहीं गया था घर के अंदर कि मैं इंटर कर रहा हूँ तो मुझे ये शो जीतना है. मैं ये सोच के गया था कि मुझे ये घर को जीना है और जो इस घर को जी लेता है वही जीतता है. सो आई थिंक मैं जीत के ही बाहर आया हूँ. आई थिंक वोटिंग्स की कमी हुई है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि कोई और कसर रही है. दैट्स ऑल. आई थिंक वोटिंग ही हो सकती है, उसके अलावा तो आई थिंक हम सब बराबर ही थे, कमी किसी के अंदर में नहीं थी. अगर टॉप टू पे खड़े हैं तो एक ही फैक्टर है जो कि लॉजिकल है और वो यही है कि वोटिंग, राइट. बिग बॉस से घर से तो बहुत कुछ सीखा है, एक्चुअली घर से भी सीखा और घर में रहने वाले लोगों से भी सीखा है. तो आई गेस सबसे पहले हाउसमेट्स की बात कर ले जो कोई भी नहीं करता है, तो मुझे सबसे पहले बोलना चाहिए कि कीथ सिक्वेरा से मैंने ये सीखा है कि हाउ यू शुड बी काम एंड कंपोज्ड, ग्रेविटी कैसे मेंटेन करना है ये मैं उनसे सीखा हूँ. रोशेल से मैंने सीखा है कि एक्सप्रेस कैसे करना चाहिए अपना प्यार. मैं थोड़ा सा प्यार के मामले में थोड़ा सा शाई हूँ क्योंकि यू नो पास्ट एक्सपीरियंस. सो मैं उनसे सीखा है कि मुझे प्यार मतलब यू नो हाउ टू एक्सप्रेस लव. हाँ, काफ़ी सारे लोग हैं, रोशेल और मंदना, उनकी दोस्ती बीच में टूट गई थी बट उन दोनों से भी सीखा है कि हाउ टू मेक इट अप. मंदना से मैंने सीखा है कि हाउ टू बी फर्म. प्रिंस से मैंने सीखा है आलू के पराठे बनाना और कीश्वर से मैंने सीखा है कि डेडिकेशन कितनी ज़रूरी है, शिद्दत कितनी ज़रूरी है शो में. सुयश से मैंने अपनापन सीखा. प्रिया से मैंने दोस्ती सीखी. किन का नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ. जिजेल से मैंने मस्ती सीखी. इन लोगों से बहुत कुछ सीखा है. या दे रियली मेड अ बिग इम्पैक्ट इन माई लाइफ. और घर से मैंने बहुत कुछ सीखा है. आज तक मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में टॉयलेट नहीं साफ़ किया था, झाड़ू नहीं किया था, मॉपिंग नहीं किया था. यू नो बेसिक चीज़ें मुझे उस चीज़ का एहसास नहीं था बट आई थिंक अभी बाहर आके मुझे एक प्यास की कीमत, चीज़ की कीमत जो कि हम लोग घर पे वेस्ट कर देते हैं. एक्चुअली ये शो आपको एहसास दिलाता है कि एवरीथिंग मैटर्स और बिना आप किसी लग्जरी के अपनी लाइफ बिता सकते हैं एंड यू कैन ग्रो. ऑफकोर्स मैं इमोशनल हूँ. ये शो इंसान को उम्मीद देता है और अगर मैं नहीं जीत पाया तो ऑफकोर्स अफसोस तो है लेकिन दुख नहीं है, नो रिग्रेट्स. मेरी लाइफ का एक ही उसूल है, आई हेट क्विटर्स. सो आई नेवर थॉट कि आई विल क्विट. तो कभी भी वो एहसास नहीं आया और ना ही कभी मैं ऐसा सोचता हूँ, बिकॉज़ दैट्स नॉट माई स्टाइल.